हेलो गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। और आज हम लोग अभी कर रहे हैं नाश्ता, मतलब कल हमने शॉपिंग की। वैसे इतना ज़्यादा थक गए ना हम दो दिन शॉपिंग वॉपिंग करके, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो मतलब वो ये सोते रह गए, फिर अब कर रहे हैं हम 10 बजे नाश्ता। और आज हम वैसे उतनी ज़्यादा शॉपिंग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आज इनको जाना है वापस। तो क्या कहते हैं, आज हम नॉर्मल शॉपिंग करेंगे, मतलब हाँ मतलब जो हमने नॉर्मल बिल्कुल एकदम जो जल्दी जल्दी हो जाएगी। और उसी के लिए अभी हम जाएंगे बाहर, और बाइक में जाएंगे क्योंकि मौसम भी सही हो रहा है इस बार, तो जा सकते हैं बाइक में। वरना तो बहुत ही ह्यूमिड और धूप और ऐसे रहता है, पर देखते हैं अगर आगे गई धूप तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मार्केट एरिया में ना फिर से मतलब गाड़ी वाड़ी ले जाना बेकार है। ये तो हमने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया। मैंने इनको बोला था, इनको भी समझ आ गई होगी कि चांदनी चौक से मेट्रो से जाना चाहिए, उसमें भी वहाँ पे इतनी भीड़ होती है। और आज तो हम तिलक नगर मार्केट ही जाएंगे, जो इनके लिए हमने कुछ कुछ लिया था तो वो हमें पिक करना है, कुछ और ख़रीदना है, तो बस यही रहेगा आज का। तो फिर दिन में इनको जाना भी है। यस, आज भी जाना है। और अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो आज ना मम्मी ने पकौड़े भी बनाए हैं, तो क्योंकि हमने शादी की शॉपिंग करके आ गए, ऐसे किसी को बिना बताए और एकदम से तुरंत से, तो फिर ऐसे होता है ना जब ऐसे सब चीज़ करते हैं तो पकौड़े वकौड़े बनाते हैं, तो फिर इसीलिए मम्मी ने पकौड़े बनाए हैं। और क्या कहते हैं, बाकी तो इनके लिए खातेदारी में ऊपर से भी खाना है, यहाँ से भी ये रे पकौड़े, और ये दाल मखनी है शायद, गोभी की सब्ज़ी, पराठा, नट्स एंड चीला है ना। तो आपको कैसा लग रहा है, आपकी खातिरदारी हो रही है इतनी किंग लाइफ? गाइस, मैं भी अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, वरना मैं बहुत डांट खाऊंगी सबसे, और फिर बस जाऊंगी। गाइस, ये दोनों पता नहीं इनको क्या हो गया है, जब से वो आए हैं ये हम दोनों को देख के इतनी स्माइल कर रहे हैं एक दूसरे को देख के, थैंक यू, और इतना ज्यादा दोनों हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, देख के नहीं हंस रहे, क्यों आपस में? ये डिस्कशन चल रहा था कि पीरू क्या पहनेगी सगाई में, क्या पहनेगी, तो दिलाओ नहीं, पीरू बोलिए साड़ी या फिर लहंगा क्या पहनो, और सृष्टि क्या पहनेगी, देखो गाइस फिर से हंस रहे हैं, क्या पहनेगी, स्कूल की ड्रेस पहनेगी। ये भी हो चुके हैं रेडी, अब हम चलते हैं, चलिए लेट्स गो। चलो आज देखते हैं इनका चूड़ियों का सिलेक्शन मेरे लिए, आज आप मुझे कैसी चूड़ी दिलाओगे वो देखेंगे। बाय। अच्छी है ना, इन्हीं की चॉइस है, वैसे मेरी भी थी इसमें चॉइस, आप इसमें नहीं बोल सकते कि मेरी चॉइस है, थी ना। अभी हमें क्या लेना है, अब हम जा रहे हैं मॉल, वो चूड़ी वूडी लेने फिर वापस आएंगे, यहाँ चूड़ी लेंगे फिर। गाइस, अभी हमने ना कुछ और होम फर्निशिंग आइटम लिया, अब हम चूड़ी देख रहे हैं, मेरी प्लेन भी है इसके साथ, वो मैच कड़े तो आ जाएंगे ना उसमें, हाँ देख लो ना एक बार जरा, इसमें गोल्डन चूड़ी भी मिला सकते हैं। अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है ना। तो गाइज, अभी मैं आई थी अपने फुटवेयर वगैरह लेने, जो ये मुझे सिला रहे हैं, तो मैं उसी वाले शॉप में जहाँ पे पहले आती थी तिलक नगर में, बहुत टाइम बाद मैं दीदी को याद करती हूँ, दीदी यहाँ पे होती थी, आज नहीं है भैया यहाँ पे, तो ये वाली मैंने सिलेक्ट करी है, देखो ठीक है ना, ये वाली ठीक है, इनको भी पसंद आ गई है तो ये ले लिए। और बस अभी भैया लोग बोल रहे हैं कि दुकान शिफ्ट हो रही है, तो फिर जब मैं ब्राइडल के लिए लेने जाऊंगी ना तो नई वाली दुकान पे जाऊंगी। गाइस, फाइनली हमने फुटवेयर भी ले लिया है, और अब मुझे इनको दिलानी है बेल्ट, क्योंकि ये बोल रहे तूने मुझे बेल्ट नहीं दिलाई, ऐसे ही घुमा रही है जब से, तो अब देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। पहले तो पैसिफिक जाने का प्लान था, लेट्स सी, पैसिफिक नहीं जा रहे, अरे मैंने नहीं करा कैंसिल, चल सकते हैं अभी पैसिफिक। अच्छा लग रहा है आपको, ब्राउन अच्छा लग रहा है, ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा है, देख लो जो आपको अच्छा लग रहा है ले लो। हाँ वो बैठना अच्छा है तो वो देख लो।
कानों की बेल्ट जिसके लिए मेरा दिमाग खा रखा है इन्होंने। चलो नीचे से ले लेंगे, अब आप कहीं नहीं घूमना। गाइस अभी बब्बू आ गई है और बब्बू इतना सारा सामान लेकर आई है। जीजा जी इसको खोलो तो दिखाओ तो। पानी पी ले, पी ले, पी ले। पता कैसे लाया है हमें ये सामान? हाँ। ऐसा लग रहा है लोग सप्लायर नहीं होते, अंदर बोल रहे पान देते। अरे भाई एक ही ग्लास पानी इतनी देर से पी रही है। मुझे तो सामने लगी। अच्छा इधर देखना, उधर की दिख कैस रही है? तो गाइस सबको सामान दिखा दिया है, सबको अच्छा लगा है सामान। मस्त है सामान, बढ़िया। आपको अच्छा लगा? बहुत मस्त। तो गाइस स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल खाना आ चुका है, पापड़ सलाद दाल मखनी एंड रायता। पर ये रायता तो ये खाते नहीं है। रायता खीरे वाला ही है आज। खीरे वाला है पर इनके एक्सपेरिमेंट, पर इनके वाला अलग होता है। चलो खा लेंगे यार, से तो खा ही लेना चाहिए। गाइस मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि फिर अब जाना है फ्लाइट टाइम की, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमें सब कुछ। चलो गाइस जीजा जी जा रहे हैं, लेट्स गो। मेरे को क्यों बाय कर रही है? और मैं भी जाऊंगी, अब बेबू भी जा रहा है छोड़ने एयरपोर्ट तक। चलो चलिए चलिए चलिए, जाने का समय आ गया। ड्यूटी तो गाइस फाइनली लक्की बिब्बू आ चुके हैं गाड़ी लेके, और भाई हमें तो लग रहा है कि हम लेट ना हो जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ, ये जा रहे हैं सिर्फ, इनकी फ्लाइट है तो बस हम इन्हें सी ऑफ करने जा रहे हैं। मैं आपको एयरपोर्ट में पहली बार सी ऑफ करने जा रही हूँ ना, पहली बार सेकंड टाइम जा रहे हैं। नहीं बिब्बू और तू आई थी फर्स्ट टाइम वहाँ पर बाइक। अरे हाँ, पहली बार बाइक से आए थे हम, और अब जा रहे हैं, अब प्रॉपर सी ऑफ करने जा रहे हैं ना। वो तो आप भी कहीं और से आए थे, वो वैसा वाला सी ऑफ नहीं, तो प्रॉपर एक छोड़ने जाने वाला अलग होता है। तो मतलब इस बार तो यही हुआ कि हमारा ना सारा टाइम ही शॉपिंग में गया। आपको कैसा लगा इस बार? मैं प्रॉपर आपको अभी सी ऑफ करने आ रही हूँ तो अभी तो मतलब थोड़ी सी सैड सैड वाली फीलिंग है, पर हाँ मतलब इस बार शॉपिंग में दो दिन बहुत जल्दी निकल गए, पता ही नहीं चला कुछ। हम बैठे ही नहीं पूरा, बस यही है घर पे, बस सोने आते थे पूरा दिन। मतलब बस शॉपिंग करने में बहुत मजा आया, हमने बहुत जल्दी जल्दी सारी शॉपिंग कर ली, और हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, इतना मतलब। और हम कोई भी नहीं गया हमारे साथ, सोचो हमने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अकेले पूरी शॉपिंग कर ली, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे शॉपिंग कर लेंगे। मतलब जो सोच के नहीं भी गए थे वो भी हम। को मेरे को शॉपिंग कराने ले जाना था, अब मैं इसलिए आऊंगा क्योंकि हम सारा कुछ देख के आ गए ना, अब सबको शॉपिंग हम कराएंगे। मेरे साथ बोलेंगे अच्छा तुम कौन सी दुकान पे गए थे, ऐसे कहना चाहिए था चलो मैं चलता हूँ आपके साथ, पर सही बात है उल्टा होगा। तो फिर आप कुछ कहना चाहेंगे? थप्पड़ मार दूंगा, मेरी फ्लाइट छूटी तो बस यही कहना चाहूंगा। बताओ ना क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, आगे गाड़ियां चल रही हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो हमारी भी तो चल रही है, हमारी कौन सी रुकी हुई है? टैक्सी में चल रही है और कितनी चलेगी? अभी तो रोड खाली होनी चाहिए। वीआईपी मूवमेंट हो रही है और क्या। अरे बताओ मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, आपकी फ्लाइट की बड़ी है क्या? मैं पूछ रही हूँ कि कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ क्या गाइस देखो पूरी कोशिश हो रही है ना टाइम पे पहुँचाया जाए। गाइस इसीलिए लेट हो रहा है, लक्की तीन चार जगह पूरी देख चुका है। लक्की का ध्यान बस पूरी और हलवे की तरफ है, बाकी कह रहे फ्लाइट तो हम उड़ते उड़ते पकड़ लेंगे। पूरी खत्म क्यों ना चाहिए, इसका छोटा भाई है पूरी। गाइस हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट एयरपोर्ट, ऑन टाइम है नहीं है? हाँ थोड़े से लेट है। Thank you.
गाइस अभी जीजा जी को तो टर्मिनल पे छोड़ दिया है हमने, अब थोड़ी टेंशन फ्री हो गए हम। अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें, लक्की को खाना है हलवा पूड़ी। लक्की लोकेशन में डालते पूड़ी कहाँ बट रही है। गाइस अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप फ्री का हवर वन। गाइस यहाँ पे बिजनेस कॉल चल रही है देखो, और ये क्या है, ये टीम्स मीटिंग है। टीम्स मीटिंग चल रही है हमारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और किस लिए? सगाई में कपड़े क्या पहनने के। गाइस देखो इनको इसके लिए मीटिंग करनी पड़ती है कि क्या पहनना है ना सगाई में, उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। गाइस अभी इनको छोड़ के मैं आ गई हूँ और मैं जस्ट बैठी हूँ अब दो दिन की, मुझे थकान होगी ये घूमने की ना हमारी शॉपिंग की, अब उसको आज उतारूंगी। और देखो गाइस अभी भी इनका डिस्कशन चले ही जा रहा है, एक घंटे दो घंटे हो चुके हैं। ये देखो ये डिसाइड कर रहे हैं कि सगाई में क्या पहनना है। अभी ये बोल रहे हैं कि मतलब वो करते हैं कि कब जाना है मार्केट, ये वो यही डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस मैंने सोचा था मैं आके क्या करूँ क्या नहीं करूँ, पर अब मैं बस खाना खा रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे ज़्यादा आज ना, ऐसे दो तीन दिन बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो अभी हमारे घर में ना बहुत सारा सामान बिखरा हुआ है कि जो भी हम शॉपिंग करके आए हैं ना, तो वो अभी समेट ही नहीं है, तो खाना खा के जल्दी से उसको समेटेंगे। आज मुझे लगता है कि उसी में हमारा पूरा टाइम जाएगा, बिकॉज बहुत सारा सामान रखना है। अभी समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे रखे, वही होता है ऐसे, एक्साइटिंग भी है नर्वस भी है। और देखते हैं फिर, अभी तो मैं खाना खा रही हूँ, खाने में वही है हमारा दाल मखनी और रोटी। गाइस ये सारा मैं नहीं खाऊंगी, मेरे भाई के लिए रखा है, वो आ नहीं रहा है, उससे आवाज लगा रहे हैं। गाइस देखो इनकी अभी डिस्कशन चल रही थी कि चांदनी चौक जाना है और ऋषु महाराज उठ के आ भी गए। और राखी पे तो आए नहीं, देख लो गाइस फाइनल हुआ जाना कि क्या हुआ भाई, अब क्या डिस्कशन हो रहा है अब चांदनी चौक का। क्या ना चाहे कुछ भी हो जाए वापस आ सकते हैं आराम से, डिपेंड करता है कि तुम कितना घूमो कितने वो करो। अरे ये नहीं, बहुत सर खाता है, सबसे ज्यादा सर यही खाएगा मुझे पता है। 5 बजे आ सकते हैं बोलना, कितने बजे जा सकते हैं पहले ये डिसाइड। गाइस एक दूसरा भी इधर है, ये भी जाने की प्लानिंग कर रहा है, कल इन सबकी छुट्टी है इसलिए प्लान कर रहे हैं। सो गाइस अभी इनका डिस्कशन तो चल ही रहा है, ये यूट्यूब में इतने सारे आउटफिट देख चुके हैं, आपका फाइनल हुआ नहीं हुआ वो देख रहे हैं। नहीं जाना फाइनल हुआ कि नहीं हुआ भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पहले सडन प्लान बना लिया, सडन ऋषु को बुला लिया, मतलब कल ही तो हम कपड़े लेके आए हैं, फिर आज इनको भी अपने लेने हैं और कंपटीशन है भाई तो सडन बना लिया। और अब देखने लगे हमारे बीच में कंपटीशन है। सही बात है, चलो तो अभी देखते हैं क्या इनका फाइनल होता है ना। फर्स्ट फ्लैट लाइन स्लॉप एंड करते हैं, तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बाय।